सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिलकर के जो है बॉयकॉट करें। देखिए, ऐसा है कि नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना, ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। और ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। वरना संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा आज भी प्रश्न एक ही है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जो एक हम्बल बैकग्राउंड से उठ के यहाँ तक पहुँची, आप उनका अपमान क्यों कर रहे हो? क्यों अपमान करते हो आप? इसलिए कर रहे हो कि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से निकल के आई महिला, इसलिए कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि भाई उस राज्य में अभी इलेक्शन नहीं है, इसलिए कर रहे हो? कारण तो बताइए कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति का, जिसको हमारे संविधान में द फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है, फर्स्ट सिटीजन देश में, फर्स्ट सिटीजन स्वस्थ, फर्स्ट सिटीजन बिल्कुल मौजूद, और आप उनसे देश की जो डेमोक्रेसी का स्तंभ है, जो लोकतंत्र का स्तंभ है, उसका नए भवन का उद्घाटन नहीं कराना चाहते? क्यों? यह इसलिए कि भाई उस पत्थर पे आप अपना ही नाम लिखवाना चाहते हो? चलो आप एक साइड में एक अलग पत्थर और लगा देना, पर देश की महिला, देश की आदिवासी समाज का इस तरह से अपमान मत कीजिए। वो महिला एक हम्बल बैकग्राउंड से निकल के आज देश की राष्ट्रपति बनी, अपनी ताकत से, अपनी सूझबूझ से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से बनी। आज आप उस महिला का और पूरे आदिवासी समाज का क्यों अपमान कर रहे हो? देश और कांग्रेस पार्टी ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता है।